आवाज है एक शहीद फौजी को। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है वो खड़ी होगी घर के चौखट में, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के घर जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इंकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। मां को होगा सुन पिताजी भी बाहर आएंगे देखकर अपने बेटे को ऐसा, वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, जीव या उनकी बुलाते का सहारा ताकि देश में जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले, पर ये बात भी जहन में डाल दे कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के कर्ज मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी। उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चलता है, तो क्या वो उसका पति जिंदा है, देश को जिंदा है? I'm
तो नहीं।